हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। भाई आज मैं आपको दो ऐसे स्टॉक्स बताने वाला हूँ जिसमें आप लोग वेल्थ क्रिएशन के लिए भाई पैसा लगा सकते हो। रिसेंटली काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में स्टॉक्स अवेलेबल हैं, तो आप लोग अगर गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो स्टॉक्स में आप लोग जरूर बाइंग कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए भाई अच्छा वेल्थ आप लोग इन स्टॉक्स के माध्यम से बना सकते हो, बट इसके लिए भी आपको इन स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए शामिल करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में, खरीद के भूल जाना पड़ेगा, तभी जाके आप लोग भाई करोड़पति या अरबपति बन सकते हो इन स्टॉक्स के माध्यम से। और मुझे ऐसा लगता है भाई ये पास्ट में बहुत लोगों को करोड़पति अरबपति ऑलरेडी बना चुके हैं। दोनों ही ऑसम स्टॉक्स हैं भाई। बीते कुछ सालों के अंदर काफ़ी अच्छे मोमेंटम स्टॉक्स हमें देखने को मिला, बट प्रेजेंटली भाई काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में अवेलेबल है, गिरावट में मिल रहे हैं स्टॉक, तो आप लोग जरूर इन्वेस्टमेंट कीजिए इन स्टॉक्स में भाई। और जो भी पोजीशन आज आप लोग स्टॉक्स में बना रहे हो या बाइंग करते हो भाई, तो वो फ्यूचर के लिए आप लोग इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी जाके एक बड़ा पैसा आप लोग स्टॉक्स के माध्यम से बना पाओगे भाई। तो मैंने जो पहला स्टॉक चूज किया भाई, स्टॉक का मार्केट कैप आप लोग देख लो, 12,045 करोड़ का मार्केट कैप इसका। आई मीन सभी मिड कैप स्टॉक है भाई, तो आप लोग स्टॉक्स में आराम से 30-40-50 हज़ार रुपये तक लगा सकते हो भाई। अगर आप लोग इतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा दो तो अगर आप लोग 15-20 हज़ार रुपये भी लगा के छोड़ दोगे भाई, तो अच्छा वेल्थ बना सकते हो आप लोग। बट इसके लिए आपको पेशेंस देखो रखना ही पड़ेगा, पेशेंस मस्त है। अगर आप लोग एज ए इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हो भाई, तो आप लोग पेशेंस रखो फ्यूचर के लिए। अगर बात करें किस प्राइस पर प्रेजेंटली ट्रेड करें, तो 904 पे प्रेजेंटली ट्रेड कर रहा है। 52 की हाई की अगर बात किया जाए तो 1359 का इसका हाई है और लो 871 का है भाई। आदिवासी की अगर बात किया जाए तो दोनों ही शानदार है, 25%+ है, जो शानदार माना जाएगा भाई। अगर डेप्ट की वहीं बात किया जाए तो 134 करोड़ का डेप्ट है कंपनी के ऊपर, और रिजर्व कितना है इनके पास, 1301 करोड़ का रिजर्व ऑलरेडी प्रेजेंट है भाई। मीन्स एक पैसे का भी डेप्ट नहीं है इनके ऊपर। जो पॉजिटिव बात है भाई, वही अगर बात करें प्रोमेटा की होल्डिंग की, तो ये भी आप लोग देख सकते हो 59.9% का स्टेक प्रोमेटा लेके बैठो, लगभग 60% का जो स्टेक है वो प्रोमेटा लेके बैठो भाई। मीन्स प्रोमेटा तो भरोसा करते हैं, आप भरोसा कर सकते हो स्टॉक में, लॉन्ग टर्म के स्टेक लेके आप लोग बैठ सकते हो। अगर वहीं बात करें स्टॉक की कॉर्डेस जल्स की भाई, तो कॉर्डेस जल्स भी आप लोग देख लो। अगर सेल्स की बात किया जाए तो 94 करोड़ से आप लोग देख लो सेल्स बढ़ के कितना हो गया, 376 करोड़ के हो चुके हैं। मीन्स काफ़ी अच्छा इंक्रीजमेंट इनके हमें बिक्री में देखने को मिल जाए। वहीं अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हम बात कर लें, तो देख लो भाई इसमें भी अच्छे इंक्रीमेंट देखने को मिल जाए, 27 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 80 करोड़ के हो चुके, और पिछले क्वार्टर्स पर अगर आप कंपेयर करो देखो तो इन दोनों में अच्छे इंक्रीमेंट इस क्वार्टर में भी देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसका फंडामेंटल भाई बढ़िया है, आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बना सकते हो भाई स्टॉक में। अगर बात करें स्टॉक के भाई नेट प्रॉफिट की, नेट प्रॉफिट भी आप लोग देख लो, 215 करोड़ नेट प्रॉफिट बढ़ के भाई 252 करोड़ के हो चुके हैं, इसमें भी अच्छे इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल रहा है स्टॉक में। वहीं अगर बात करें स्टॉक के शेयर हिस्ट्री की, तो भाई तो प्रेजेंटली स्टॉक को लिस्ट हुए 10 साल 5 साल नहीं हुए भाई, इसलिए इन्हें का रिटर्न सो नहीं करेगा। अभी 3 सालों के शेयर की अगर बात करें तो 46% के औसत से आपको प्रोवाइड करते हुए दिखा है, और 1 सालों में अभी कंसोलिडेशन में प्रेजेंटली स्टॉक अवेलेबल है भाई। तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी पैसा बनाने के लिए, तो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट आप लोग कीजिए। किस स्टॉक के बारे में बात करूँ, आप लोग के स्क्रीन के सामने नाम आ चुके भाई, एफल इंडिया लिमिटेड। स्टॉक्स पे पहले भी मैं कई बार ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि सेगमेंट्स बिलोंग करता है, तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है भाई। मिलनी जो ये अपना रेवेन्यू जनरेट करता है, और एडवर्टाइजिंग सेगमेंट से काफ़ी बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, तो आप लोग इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में जोर करो। और जो भी बाइंग आज आप लोग हेफल इंडिया में कर भाई, और अगर आप लोग फ्यूचर में ऑलरेडी हायर प्राइस पे बाइंग हो तो कंसोलिडेट कर सकते हो, या फिर भाई आप पेशेंस रखो इन स्टॉक्स को, बस आप भूल जाइए 5 साल 7 साल 10 साल के लिए आपको और एड ऑन नहीं करना है, आप लोग बस भूल जाओ भाई, तब पर भी आप लोग बड़ा पैसा बना सकते हो। बट आपको देखो भाई पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, अगर आप लोग पैसा 100 गुना 150 200 गुना करना चाहते हो, 50 गुना करना चाहते हो भाई, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। हाल ही भाई पेड सर्विस स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है, पेड सर्विस चाहिए, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश बेहतर नहीं बेहतरीन पोर्टफोलियो क्रिएट करके दूँ। जिनको भी पेड सर्विस चाहिए पोर्टफोलियो बनवाना है, मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, कांटेक्ट नंबर दे रखा हूँ भाई, मेल कर सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो आप लोग। तो वहीं आज जो मैंने दूसरा स्टॉक चूज किया, स्टॉक का भाई मार्केट कैप आप लोग देख लो, 7,098 करोड़ का मार्केट कैप इसका। मीन्स ये भी मिड कैप स्टॉक भाई, तो स्टॉक्स में भी आप लोग आराम से 30-40-50 हज़ार रुपये तक लगा के भूल सकते हो फ्यूचर के लिए। अगर बात करें किस प्राइस पे ट्रेड करो, तो 2191 का इसका प्रेजेंटली ट्रेड प्राइस है। वहीं अगर बात करें इसके 52 वीक हाई के भाई, तो 3844 का इसका हाई है, और लो भी देख लो आप लोग 1925 का लो है। आदि 80 की अगर बात किया जाए तो दोनों ही शानदार है भाई,
अगर डेब्ट की बात करें इसके ऊपर कितना कर्ज है, तो भाई देख लो 111 करोड़ का कर्ज है और रिजर्व इनके पास कितना भाई 1438 करोड़ का रिजर्व ऑलरेडी प्रेजेंट है कंपनी के पास। मीन्स एक भी पैसे का डेब्ट नहीं है उनको भाई। जो पॉजिटिव बात है भाई, वही अगर बात करें पमाडा की होल्डिंग की, तो ये भी आप लोग देख सकते हो 53.7% का स्टेक लेके बैठे हो। मीन्स लगभग 54% का जो स्टेक है वो पमाडा लेके बैठे हो भाई। मीन्स पमाडा भरोसा करें, आप भरोसा कर सकते हो स्टॉक में, लॉन्ग टर्म के लिए स्टेक लेके बैठ सकते हो भाई। तो मैं किस स्टॉक के बारे में बात करना, स्टॉक का नाम आप लोग के स्क्रीन के सामने आ चुका भाई, बालाजी माइंस लिमिटेड। बेहतरीन मल्टी बैगा स्टॉक है, स्टॉक पे भी रिपीटेड वीडियो मैं बनाते तो आप लोग बालाजी माइंस लिमिटेड में वेल्थ क्रिएशन के लिए जोर इन्वेस्टमेंट कीजिए। प्रेजेंटली स्टॉक्स में अच्छे कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है भाई, करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके सेल्स में कुछ 2-3 क्वार्टर से हमें डिक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, आपको मैं दिखा देता हूँ। सेल्स की बात करें अगर इसके, तो आप देख लो 228 करोड़ से सेल्स भाई बढ़ के 586 करोड़ के हो चुके हैं, बेहतरीन इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। बट वहीं अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो 43 करोड़ से ये भी बढ़ के भाई 128 करोड़ के हो चुके हैं। बट अगर हम कंपेयर करें और क्वार्टर से, तो देख लो भाई बीते 3 क्वार्टर से इसके सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, आप लोग देख सकते हो। बट स्टॉक में भाई देखो कोई दिक्कत की बात है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। प्रेजेंटली 2-3 क्वार्टर में अगर डिक्रीजमेंट देखने को मिला तो ये बाउंस बैक भी करेगी, जोर करेगी भाई, क्योंकि फंडामेंटल इनका ऑसम है भाई, बेहतरीन है। तो आप लोग भरोसा दिखा सकते हो स्टॉक पे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आप लोग कीजिए बालाजी माइंस लिमिटेड में। और केमिकल सेक्टर में अगर पैसा लगा दे भाई, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट आपको केमिकल सेक्टर में अगर अच्छी कंपनी में आप लोग इन्वेस्टमेंट करो तो आपको निराश तो नहीं करेगा, ये तो तय है भाई। बट इस पर डिपेंड करता है कि आप लोग कितना पेशेंस रख पाते हो। तो आप लोग इन दोनों स्टॉक्स में भाई पेशेंस रखो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, भूल जाइए खरीद के स्टॉक्स में, आप लोग मालामाल हो सकते हैं स्टॉक्स के माध्यम से भाई। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में मल्टी बैगर स्टॉक के साथ भाई। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।